घंटों का और इंतजार है जिसके बाद राजस्थान को नया मुख्यमंत्री के नाम का पता चल जाएगा। पर्यवेक्षक तैयार, अब इंतजार विधायक दल की बैठक का। कहा जा रहा है कि शायद रविवार को विधायक दल की जयपुर में बैठक होगी। बैठक के बाद सीएम फेस का सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा। कैसे पर्यवेक्षक काम करेंगे और कैसे सीएम चुना जाएगा, रिपोर्ट में देखिए आप। ये तीन चेहरे, इनको आप ध्यान से देखिए। तीनों को बीजेपी ने राजस्थान का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इसका मतलब आप समझिए, ये तीनों ही सभी जीते हुए बीजेपी विधायकों से सुझाव लेंगे और राजस्थान के नए सीएम का ऐलान भी करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि आखिर पार्टी सीएम के ऐलान के लिए पर्यवेक्षकों को ही क्यों नियुक्त करती है और ये पर्यवेक्षक कैसे काम करते हैं। राजस्थान में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के साथ ही उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। अब सभी को इंतजार विधायक दल की बैठक का है। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे विधायकों की नब्ज को समझेंगे और रिपोर्ट आलाकमान को सौंपेंगे। हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको वो तमाम जानकारियां देंगे जिन्हें आप तलाश रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पर्यवेक्षकों की भूमिका जीते हुए विधायकों और हाईकमान के बीच सेतु की होती है। राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सबसे पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई थी। बैठक में पर्यवेक्षकों के नाम तय किए गए, जिसमें राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को चुना गया है। अब ये तीनों नेता जयपुर जाएंगे। जयपुर में विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में सभी विधायकों से राय ली जाएगी। विधायकों की राय को पर्यवेक्षक हाईकमान तक पहुंचाएंगे। इसके बाद सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। पर्यवेक्षकों की यही सबसे बड़ी भूमिका होती है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि सभी विधायकों की राय से ही सीएम के नाम का फैसला होगा। हालांकि पर्यवेक्षकों को भी राज्य की परिस्थितियों के अनुसार ही चुना जाता है। ऐसे में हाईकमान ने ऐसे पर्यवेक्षकों को चुना है जो विधायकों की नब्ज को समझ सकें और बिना किसी दबाव के अपना काम कर सकें। इस कड़ी में बीजेपी ने अपने सबसे मजबूत सिपाही राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक चुना है। राजनाथ सिंह के साथ महाराष्ट्र के अनुभवी नेता और चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल चुके विनोद तावड़े भी हैं। हालांकि एक महिला को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भी राजस्थान की ऑब्जर्वर बनाई गई है। हालांकि राजनाथ सिंह ही वो नेता हैं जो राजस्थान में बीजेपी के सभी बड़े नेताओं को साथ लेंगे। राजनाथ सिंह ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रचार किया था और परिवर्तन यात्रा में भी शामिल हुए थे। कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह सभी बीजेपी नेताओं को साथ लेंगे और उनके नेतृत्व में विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों की एक राय बन जाएगी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजनाथ सिंह को राजस्थान क्यों भेजा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि सीएम फेस को लेकर हो रही गुटबाजी को खत्म कर सकते हैं राजनाथ। राजनाथ सिंह के सभी के साथ मधुर रिश्ते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में राजनाथ सिंह ने प्रचार भी किया था। राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में राजनाथ सिंह शामिल भी हुए थे। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साफ कह चुके हैं कि जो भी होगा वो विधायक दल की बैठक के बाद ही होगा। सभी को इंतजार अब विधायक दल की बैठक का है। बहुत शीघ्र ही आज पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है। जल्दी ही विधायक दल की बैठक की तिथि तय होगी और उसके बाद आगामी कार्यक्रम तय। पर्यवेक्षक वगैरह कब जयपुर के लिए रवाना होंगे सर, किस तरह से आपके साथ? जैसे ही तिथि तय होगी। अच्छा, अब बहुत जल्दी आपको तिथि बता देंगे। बीजेपी ने सिर्फ राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए भी इसी तरह से पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। सभी जगह पर्यवेक्षक एक फॉर्मूले पर काम करेंगे। हालांकि ऑब्जर्वर्स के बाद अंतिम फैसला हाईकमान का ही होगा। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है तो निश्चित रूप से अब जल्दी विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नेता का चयन भी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में संस्कार और चरित्र का निर्माण होता है और पार्टी हमेशा सामूहिक निर्णय होते हैं। पार्टी में पर्यवेक्षकों द्वारा रायशुमारी होगी और फैसला हमारा संसदीय बोर्ड करता है, तो जो संसदीय बोर्ड फैसला करेगा वही सबको मान्य होगा। किसी एक नेता के नाम पर सबको सहमत करना भी एक बड़ी चुनौती होती है। इसी चुनौती का सामना इन केंद्रीय पर्यवेक्षकों को करना पड़ सकता है। हालांकि सीएम के नाम के लिए लॉबिंग की चर्चाएं हैं। ऐसे में अब बस
पर्यवेक्षकों के मरुधरा में आने का इंतजार है। जल्द ही ये पर्यवेक्षक राजस्थान में आएंगे और सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। राजस्थान में